बात ये कर रहा था, आज रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी, मैं आप तीनों से पूछूंगा एक एक करके क्या वो स्टेटमेंट उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू क्या है। रिजवान ने कहा कि कभी कभी ये क्राइम्स होते हैं, कभी कभी हम एक्टिंग कर रहे होते हैं कि क्राइम्स पड़ गए। अच्छा, मेरी आपसे ऑफ एयर बात हो रही थी तो आपने कहा ये स्ट्रेटेजी है और ये स्मार्ट प्ले है। यस, इमरान आपसे जबरदस्त चीज है ये, इसको कहते हैं कि अपना टाइम लेना, स्मार्ट क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट। इसी तरह मैं कहता हूँ बॉलर्स भी ऐसे करें, हाँ। अगर रन्स हो रहे हो, फ्लो हो रहा हो तो रोक दें, दो मिनट एक मिनट को रोक दें। चौके वौके पड़ रहे हैं, फ्लो में है तो उसको फ्लो तोड़ें, या अगर बैट्समैन फंसा हुआ है, हम कहते हैं कि सिंगल्स नहीं ले तो जल्दी जल्दी ओवर करें। तो ये बहुत क्रिटिकल होती है इन टर्म्स ऑफ विनिंग द गेम और लूजिंग द गेम, which is a great thing. I think he is very clever. Amir bhai, aap bhi aisa karte ho, chauke wauke agar pad rahe hain to kuch acting acting kar li thodi? Main bhi aksar tab jab dekhta hu na ki batsman bhai sahab ab maar raha hai, koi rehm nahi kar raha, main kya karta hu jab ball ek karta hu na, dobara walk jo hai slow shuru kar deta hu, slow jaun, sochta hua jaun, saans lu, mind mein aapke, aap udhar se maar bhi pad rahi ho aur jaldi jaldi wapas ja rahe ho to aapke paas sochne ka bhi time nahi hai. Sometime kya hota hai ki aur wo rhythm mein aa raha hai batsman, wo rhythm mein aa raha hai, to momentum aapko todna chahiye game ka. Kai dafa jaise imar ne bhi baat ki hai na ki agar to batsman naya aaya to jaldi jaldi us pe dot ball create karo, usko time na do sochne ka. Agar wo maar raha hai, kai dafa main laces खोल के बैठ जाता हूँ कि टाइम अच्छा यार नहीं, हाँ कौन सा बॉल करूँ, तो ये एक प्रैक्टिस होती है जो रिजवान ने बहुत अच्छी आज की। रजी भाई एग्री करते हैं इस थ्योरी से? देखें, ऑस्ट्रेलियन करते थे, वो मोमेंटम तोड़ने की कोशिश करते थे हमेशा, ठीक है, ऐसे ही सारे गेट टुगेदर हो गए, तीन चार प्लेयर आपस में बात करनी शुरू कर दी और बैट्समैन जब पार्टनरशिप लगी हुई है तो हम वेट कर रहे थे कब ये डिस्कशन खत्म करें तो हम दोबारा स्कोर करना शुरू करें, तो वो करते थे। ये अच्छी अच्छी है, उसमें नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा, पर इतना नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको पॉजिटिव ही रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं समटाइम्स आपको बताऊं, आप कभी अगर देखे भी तो ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही ज्यादातर विकेट गिरती है, ऐसा ही है, ड्रिंक्स ब्रेक के बाद ही मोमेंटम दूसरी टीम से। 99 के वर्ल्ड कप में सईद भाई ने ग्लव्स मंगवाए थे, अच्छा खासा फ्लो में खेल रहे थे। एक्जेक्टली, सो ये अगर ये ताबड़ पे क्रिकेट खेल रहे होते ना, उन्होंने दो बॉलों पर छक्के खाने के बाद वॉशरूम चले जाना। क्यों? वॉशरूम जाता, अंदर खटखटाता, रजाक भाई बाहर आ जाए, मैंने खा लिया, आपको नहीं मारेंगे। नहीं, बात नहीं मरी। आप तो फ्रस्ट्रेशन निकाल लोगे ना रनिंग करके। अच्छा।